So ladies and gentlemen, welcome to comedy circus Kaante ki Takkar. Ek aisa show jiske season 1 ne free mein hansi ki home delivery ki aur iske season 2 ne har ghar ko laughter club bana diya. Ab ye dono season takrane wale hain. To public ki special demand par laaye hain comedy circus Kaante ki Takkar. Lekin is kahani mein ek twist hai. Aur kya hai wo twist? So ladies and gentlemen, ho jaiye taiyar, kyunki ek dusre ko kaante ki takkar dene aa rahe hain comedy ke akhade ki Dara Singh, Archana Puran Singh aur season 2 ko lead karne aa rahe hain hansi par tags dene wale aur isiliye naap tol kar hasne wale versatile actor Shekhar Suman. क्यों भाई अर्चना इतनी खामोशी क्यों है यहाँ आने से पहले तो एवी में बहुत एवी ही बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रही थी अब इतनी चुप क्यों हो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरी आने वाली सेना बोलेगी शेखर सेना एक मिनट शेखर अर्चना एक्चुअली कांटे की टक्कर होने वाली है दो सीजन की जोड़ियों में हाँ वैसे भी शेखर मेरी टक्कर का है ही नहीं हाँ मुझे भी तुम जैसे लोगों से टक्कर लेनी ही नहीं है मेरा लेवल कुछ और है हाँ कहाँ मैं कहाँ तुम है ना बिल्कुल एक्सप्रेशन सही हाथ गलत हो गया उसके पहले प्लीज आप अपना आसन ग्रहण करिए शेखर और अर्चना की टक्कर को कांटे की टक्कर बनाने सबसे पहले आ रही है वो जोड़ी जिस पर लैला मजनू कुर्बान रोमियो जूलियट उनके आगे कुछ नहीं और सोनी महिवाल तो इनसे प्यार की ट्रेनिंग लेते थे ये है एक दूसरे की जान सीजन 1 के छिछोरे विनर अली एंड काशिफ कुछ ज्यादा है ना हाँ यार ज्यादा तो है कैसे मैनेज करेंगे यार मैनेज नहीं हो सकता काफी ज्यादा है एक्सक्यूज मी यानी क्या ज्यादा है ब्यूटी इंटेलिजेंस क्या अरे वो सब नहीं आपकी हाइट ज्यादा है अली के लिए तो प्रॉब्लम हो गया ना श्रुति के साथ फिट बैठता था और अब आ रही है वो जोड़ी जिसने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से सीजन 1 में अच्छो अच्छो की कमर तोड़ी वर्सटाइल स्वप्निल एंड मिमिक्री उस्ताद वीआईपी Before you say anything, कुछ ज्यादा नहीं है ओके कुछ ज्यादा नहीं है तुम ज्यादा की बात कर रही हो पूर्वी मुझे तो लग रहा बहुत कम है एक मिनट इन्होंने कहा कि मेरी हाइट ज्यादा है हाइट नहीं कपड़े कम है वीआईपी मैं तो ये पूछने वाला था कपड़े कहाँ हैं स्वप्निल जितने हैं ना काफी है ओके अब आएगी सीजन 1 की वो जोड़ी जिनकी अच्छाई के बारे में जब मैं कहना शुरू करूं तो रात से दिन हो जाए दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीने लेकिन एक भी वर्ड नहीं मिलता है उनकी अच्छाई में कहने के लिए सो प्लीज वेलकम श्रुति के नाइटमेयर शकील एंड वैम की महारानी उर्वशी ढोलकिया उर्वशी तुम आज बहुत खूबसूरत लगती हो जी यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल लेकिन आपके बारे में मैं सेम चीज नहीं दोहराना चाहूंगी ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस क्या देख रहे हो तुम उधर कहाँ देखूं मैं इधर मैं तुम्हारी पार्टनर मुझे दे रोज आदमी दाल थोड़ी खाता है चिकन खाने को भी दिल गया टंगड़ी ही कॉल्ड यू अ चीक आई डोंट माइंड अच्छा आप हैं जी मैं हूँ कैसे हैं मैं ऐसे में लेटा हूँ जो कैसे हैं
नहीं मैं तो थोड़ा आपके बारे में पूछ रही थी लेकिन ठीक है मेरे बारे में पता करना मेरी किताब मिलती है पता कर लेना माशाल्लाह कपड़े देखो शुक्रिया पुराने जमाने में बादशाह थे दो दिनार की थैली देते थे आपको पसंद नहीं आए तो आप क्या करेंगे फिर कुछ नहीं रोज यही पहनूंगी जब तक उसमें से बदबू ना आ जाए उतारना मत एक मिनट बहुत ज्यादा ही बकबक कर रहे हो तुम है आईसीयू में अभी नहीं तो बाद में तो जरूर पहुंचा दूंगी मैं तुम्हें कैरी ऑन शो शुरू हो गया है तो इफ यू डोंट माइंड मैंने कौन सा शो के मुंह पे हाथ रख दिया अब आ रही है सीजन वन की सबसे क्लासिक जोड़ी वन एंड हाफ जोड़ी करिश्मा एंड खयाली सोने वाले कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं एक कुतुब मीनार कम थी जो मुमताज का मकबरा भी ले आए और अब इन दोनों के बीच में ये ताजमहल कैसे लगेगा बताओ एक मिनट ताजमहल आपने बिल्कुल ठीक कहा लेकिन वो आगरा वाला ताजमहल नहीं है वो आगरा वाला ताजमहल के बाहर जो छोटा 5 रुपए वाला ताजमहल मिलता है ना वो नॉट दैट वन कम ऑन सही कहा पूर्वी फिलहाल सोचने का काम करना है अर्चना को इन जोड़ियों में से किन तीन को चुनना है जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी सुपर हिट जोड़ियों का फ्रॉम सीजन वन सीजन वन शेखर कैसे लगे मेरे सारे पुरंस दूर से तो तुम भी अर्चना मुझे बहुत अच्छी लगती हो यू नो बट गुड फ्रॉम फार एंड फार फ्रॉम गुड वेरी फनी ये दूर के ढोल तो हमेशा सुहाने रहते हैं अब देखना ये है कि ये ढोल नजदीक से भी उतने सुहाने लगेंगे या नहीं मेरे पुरंस तो यहाँ सामने हैं नजदीक हैं तुम्हारे सुमंस कहाँ गए बाय द वे वो क्या है वो सुमंस है हाँ. वो पूरंस नहीं है वो आते आते उनको वक्त लगता है हाँ. कल सीजन 2 के फिनाले का तुम इंतजार करो वो टहलते हुए आराम से आएंगे हाँ. और तुम्हारे पूरंस को मेरे सुमंस जो हैं वो टक्कर देंगे फिलहाल तुम अपने पूरंस को कहो कि अपना कमाल दिखाएं कमाल भी दिखाएंगे और धमाल भी दिखाएंगे पूर्वी शुरू करते हैं हमारे पूरंस का कमाल एब्सोल्युटली जोड़िया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बैक स्टेज जाए ताकि आप तैयार हो सके लाज रखने पूरंस की कहते हैं ऊपर वाला जब भी कुछ बनाता है उसे बनाने के बाद एक बार जरूर देखता है कि ओके मैंने क्या बनाया है लेकिन एक शख्स है जिसे बनाकर गॉड ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी उसे बनाने के बाद देखा और बोला ओ गॉड ये मैंने क्यों बनाया है प्लीज वेलकम गॉड्स ब्यूटीफुल क्रिएशन उर्वशी एंड गॉड्स बिगेस्ट टेंशन शकील हाय अर्चना हाय उर्वशी शेखर जी कैसे हैं आप अच्छा हूँ ठीक हूँ खैरियत से हूँ वैसे आप सब लोग यहाँ पर हैं लेकिन वो जाहिल देखो कहाँ है नहीं छोड़ूंगा अरे जाहिल बाहर निकल नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा किसे नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ूंगा किसे सिगरेट नहीं छोड़ूंगा सिगरेट अरे सिगरेट पीने से मुंह से धुआं क्यों निकलता है इसका सीधा जवाब है उसको जगह नहीं मिलती बोल दिया बेड़ा गर्क हो इनका अरे किसका बेड़ा गर्क हो क्या हुआ अबे यार एक लड़की को मिलके 10-10 लड़के छेड़ ले लेकिन इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अरे एक को 10-10 छेड़ेंगे बाकी को मेरा बाप छेड़ेगा सारी जिम्मेदारी मैं ले लूं मैं छेड़ू काम पे ना जाऊं अरे लिहाज करो उम्र का तो शर्म करो लड़कियों की बात कर रहे हो मेरी उम्र को क्या हो गया मेरी सगाई तेरी दादी से टूटी थी अच्छा अच्छा सुनो झगड़ा मत कर पता है मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मुझे ना तुम्हारा याद आता था अबे क्या
शर्म आती है ना, याद आता था। ये मरवाएगी। क्या? सेंस ऑफ ह्यूमर याद आता था। मुझे भी तुम बहुत याद आती थी। मैं अक्सर सोचता था उर्वशी कि बगैर दिमाग के भी कोई इतना कैसे जी सकता है। मतलब क्या? मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा। तुम तो कितनी प्यारी हो माशाल्लाह से, दिल करता है दस दस हो। हाँ, मुझे अकेले को टेंशन क्यों, नौ और भी टेंशन में रहे। मैं तुम्हें टेंशन देती हूँ। कौन कुत्ता कहता तुम टेंशन देती हो? तुम। हाँ वो अच्छा, तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी कब्रिस्तान से गुजरती है मुर्दे खड़े हो जाते हैं। देखो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी अभी। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसमें इजाफा कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि उर्वशी, जब मुझे पता लगा तुम फिर इस मंच में मेरे साथ परफॉर्म करोगी, मेरी रातों की नींद उड़ गई। क्यों? मारे खुशी के। जब मुझे भी पता चला ना कि मुझे दोबारा तुम्हारे साथ इसी मंच पर परफॉर्म करना है, तो मेरा तो खाना पीना आराम हो गया। क्यों क्यों? मारे खुशी की। मैंने तो उल्टी बात की ना, मैंने पहले ही कहा था इनको कि मुझे कोई और लड़की दे दो, चाहे पिछले सीजन की कोई लंबी लड़की दे दो। पिछले सीजन की लंबी लड़की? तो सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें वो ऊंटनी तन्ना, करिश्मा तन्ना चाहिए। तो क्या खराबी उसमें? इतनी लंबी लड़की माशाल्लाह पड़ोस में झांक के भी बताएगी क्या हो रहा है। खड़ा खड़ा बल्ब उतार लेती है वो, जाले साफ कर लेती, यूं ही बच्चा होगा, झूले की जरूरत नहीं, यूं ही खिलाएगी। क्या खराबी उसमें? बस पिछले जन्म में उसने कोई गुनाह किया है, तभी तो उसको ख्याली जैसा पार्टनर मिला इस जन्म में। क्या बुराई है बेचारे ख्याली में, इतना प्यारा है भूतनी दा। बहुत प्यारा है, कश लेता ना। अंदर के गाल चुम्मियां ले रही थी आपस में। बोतल, प्लास्टिक की बोतल लगा उस पर पाँव रख के हटाओ, उसका मुंह बन जाता है। तुम ही एक बड़े अच्छे हो तीस मार खान। हाँ। अरे कभी बाप बेटी की जोड़ी बनती है क्या? जा फिर अपनी माँ को भेज। चला लूंगा काम, मुंह में दांत नहीं ना, बस यूं ही करती रहेगा। तेरी माँ को नहीं जानता, दांत रख के सोती है, सपने में कुछ आता वो दांत वहां हंस रहा होता। देखो 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 देखो, तमीज से बात करो, मैं अभी भी कह रही हूँ समझे। चलो माँ की बात मत करो, मेरी बात करो ना मेरी। तुम्हें पता मैं जहाँ खड़ी रहती हूँ वहाँ लड़कों की लाइन लग जाती है। क्यों? तू प्रसाद बांटती है? ये शहर में की बुकिंग पे बैठकर टिकट फाड़ रही होती है। बस मैंने कह दिया ना, मेरा पार्टनर बदला जाए अभी इसी वक्त। नहीं हो सकता, ये फॉर्मेट ऐसा है, एक दूसरे को भुगतना पड़ेगा उर्वशी। एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी बिला वजह, एक दूसरे की तारीफ करनी पड़ेगी झूठी झूठी। चल फिर कर मेरी तारीफ। लेडीज फर्स्ट। अच्छा इस मामले में तमीज आ जाती है। चल ठीक है मैं तेरी तारीफ करती हूँ। शकी तुम कितने प्यारे हो। अल्लाह को कब प्यारे हो जाओगे? बस यही मेरा मतलब है, तुम्हारी ये आंखें कितनी नशीली हैं। चरस पीना क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसी तारीफ करनी? ऐसी तो मुझे बहुत आती है। क्या तेरा मुंह है इधर क्यों है? क्या तेरे कान, दिखा दो सही। क्या तेरे कान लोगों की बुराइयां सुनती है सिर्फ इससे? ये तेरी जुल्फें किधर हैं? ये तेरे दांत, उसके अंदर के कीड़े। क्या तेरी नाक है और ये नाक के अंदर दो सफेद बाल? वो भाई ड्रॉप डाला कर काला कोहरा यूं करके, इससे नस्ला भी खत्म हो जाता है, बाल भी काले हो जाते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरी। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए नंबर। बात तो सुन, मैं नंबर ले रहा हूँ। तू नंबर लेगा तो मैं भी लूंगी ना। हाँ तो लेना नंबर। शेखर जी नंबर दीजिए। नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। बात है। अब आइए जानते हैं कि पुरंस के बारे में शेखर जी क्या सोचते हैं। ये जो कांटे की टक्कर की शुरुआत हुई है, जो इसकी इब्तिदा हुई है, अभी मैं समझता हूं कि मामला थोड़ा गर्माएगा। मैंने कुछ ज्यादा उम्मीद की थी आपके पुरंस से, वहां तक तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन जहां तक पहुंचे बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे। यू टू आर नॉट बैड, you two are mind blowing, mind blowing sir. And Shakil, tumhare se ummeed bahut unchi rahengi, to zara samal ke chalna, because you have to keep going from first episode to second to third, aise upar chalte raho. Thank you, huge round of applause.
आपने कभी लाइट के खंबे पर फटी हुई बनियान को सूखते हुए देखा है? अगर ये नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ऐसा ही कॉम्बिनेशन लेकर आ रही है हमारी अगली जोड़ी, अर्चना के पुरंज, करिश्मा एंड ख्याली। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। आपने कहा दो नंबर जोड़ी, खबरदार करिश्मा को दो नंबर कहा था। बस आते ही बेइज्जती करना चालू कर दिया ख्याली ने। अरे मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोच के आया था, लेकिन जैसे ही स्टूडियो के दरवाजे पे आया किसी ने मेरा रास्ता काट लिया। किसने? काली बिल्ली ने? नहीं, वैसा ही था, शकील भाई ने। तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि मैं किसी की बेइज्जती करूं। चल छोड़ो ना ख्याली, तुम्हारी वजह से पता है मुझे कितनी बदनामी मिली है। तू कमाल कर रही हो, मेरी वजह से तो तेरा नाम बना है, लोग आपस में बातें करते हैं कौन करिश्मा, कौन सी करिश्मा, अच्छा ख्याली वाली आइटम। हाँ। मैंने तेरे बिना कितने शोज किए पता है? मैंने तीन तीन शो होस्ट भी कर लिए और मैं एक डांस शो में डांस भी कर रही हूँ। ऐसी डांसर है अर्चना जी, किसी हर किसी का दरवाजा खटखटा के बोलती है हेलो दो गाने करवा लो। चलो मेरी बात छोड़ो, तुमने क्या किया? हाँ ओ, सारी दुनिया जानती है मेरी सुपर डुपर हिट फिल्म आई सिंह इज किंग, लीड रोल किया मैंने। क्या? पहले 5 मिनट। और सिंह इज किंग का पता है क्या फायदा हुआ? क्या? अक्षय कुमार की कैटरीना की भी मार्केट बन गई। ओह। और अब शेखर जी के साथ फिल्म आ रही है वन फाइन मंडे, इनकी भी मार्केट बन जाएगी। वो क्या है ना, सुभाष गाय ने मुझे भी दो फिल्म दी थी। हाँ फिल्म दी थी, बोले ये लो मैडम नीचे जाते हुए रिसेप्शन पे पकड़ा देना। ये ना झगड़ा ही करता रहता है। चल ये बता, इतने सारे दिन हम लोग नहीं मिले, तुझे मेरी याद आई कि नहीं? हाँ यार, दिसंबर में बहुत याद आई थी। क्यों? वो बड़ी ठंड होती है ना। मेरा मतलब मैं पेरिस में था, वहाँ बड़ी ठंड थी और जब मैंने वहाँ पे एफिल टावर को देखा, हाय हाय तेरी बड़ी याद आई है। तू पेरिस गया था? ओ मैं तो शो करने इंग्लैंड भी गया था। अरे वहाँ मेरी याद आई थी? नहीं यार, इंग्लैंड में इतनी सफाई है कोई गंदे विचार दिमाग में आते ही नहीं। मेरा मतलब वहाँ इतनी सफाई है मेरा दिमाग बंद हो गया था। अच्छा? हाँ, मैं वापिस आया, 3 घंटे शकील भाई के घर पे रहा, तब जाके मैं वापिस नॉर्मल हुआ। पर ख्याली, इंग्लैंड में तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है और तुम्हें तो अंग्रेजी। आई डोंट लाइक दिस एयर एंड देयर वेयर वंडरफुल ब्यूटीफुल बैक टू से दैट एंड आई लव यू। तमीज से बात कर। तमीज से बात करिए, कॉमेडी का शो है, मैं कॉमेडी का बादशाह हूँ और ये सल्तनत मेरी है, मैं मेरी सल्तनत में जो मर्जी करूं। ये डायलॉग तूने पहले भी किधर बोला है ना? हाँ पिछली बार जब तूने शराब पी के रास्ते पे बोला था, वो क्या था? छोड़ना बता, 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 नहीं छोड़ना। अर्चना जी को बता, सुमन जी को बता, वो पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। हाँ फिर क्या हुआ? वो फिर उन्होंने मेरी सल्तनत पे डंडे मारे। फिर? वो फिर वो सल्तनत सूझ गई थी। फिर? बस फिर छोड़ना यार बात को। मुझे सब कुछ याद है, देखा? हाय हाय, कॉमेडी तेरी कितनी खराब हो, तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। हाँ तो ठीक है ना, याददाश्त अच्छी है, मेरी याददाश्त की वजह से पिछली बार हम लोग टॉप 3 में आए थे, अगर तुम्हारे भरोसे रहते तो हम लोग नो एलिमिनेशन राउंड में भी एलिमिनेट हो जाते। हेलो ऐसी बात नहीं है, इस बार मैं ऐसे ऐसे पंच लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे पंच लेके आऊंगा, सारे देखते रह जाएंगे। तू सच्ची में पंच लेकर आया? अरे बिल्कुल सच्ची में, बहुत अच्छे अच्छे पंच लेके आऊँ, सारे लोगों को हिला के रख दूंगा मैं। इतने मत हिलाओ, इतना मत हिलो, 10 से ज्यादा उनके पास नंबर भी नहीं है। तो, हाँ। चलो पूरी जी आ जाइए। शेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको आईफिल टावर और ताजमहल का परफॉर्मेंस? वेल द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज कि अगर तो ये बिल्डअप परफॉर्मेंस है तब तो बेहतर है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है तो मामला थोड़ा खतरे में। आप लोगों ने कर दिया है ऐलान जंग और हमने कर दिया है, वी धावा बोल दिया है सुमंस पर, वो आएंगे जब अपना कमाल दिखाएंगे तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आपने कमाल कर दिया स्टेज पर एंड मोर कूडोस टू यू एंड यू रॉक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू रॉक। ओके भैया, अर्ज किया है और अब आ रही है वो जोड़ी जिसे जज करने में होती है मुश्किल बड़ी, हम अब पता ही नहीं चलता कि इनमें पति कौन है और पत्नी कौन। प्लीज वेलकम अर्चना पुरंस, द विनर ऑफ सीजन 1, अली सरोज खान एंड काशिफ जावेद अख्तर। यस
भाई जिंदगी है तो दिन है तो रात है तो खटिया है तो खटमल है तो खून है तो प्यास है तो सिंगर है तो राइटर है। अल्लाह कितना अच्छा लिखते हैं आप, पर ये था क्या? अरे आपने जो किया वो क्या था? ये चैनल वाले कहीं पे भी रियलिटी शो रख लेते हैं। हाँ और हम लोगों को जजमेंट के लिए बुला लेते हैं। एक बात तो बताइए, अगर कोई ऐसी चीज निकली जिसका हमें नॉलेज ना हो तो हम जज कैसे करेंगे? अरे इस बात को छोड़िए, आजकल जजमेंट के लिए किसी भी नॉलेज का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, अरे वो हमें शमिया को देखिए आप, ओ वो सिंगिंग के शो का जज बना हुआ है। नंबर ऐसे दे रहा होता है जैसे फोन के नंबर दे रहा हो। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, नंबर तो मैं भी अपने हिसाब से देती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, कंपटीशन किसी भी चीज का हो, मैं परफॉर्मेंस को डांस के बीट पर नापती हूँ। नहीं समझे? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब परफॉर्मेंस जिस बीट पर रुका, मार्क्स दे दिए। आपका तरीका भी मेरे तरीके से काफी मिलता जुलता है। अच्छा कैसे? मैं भी जब परफॉर्मेंस शुरू होती है कागज कलम लेकर लिखना शुरू हो जाता हूँ। लोग समझते हैं कि नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं गाने के मुखड़े लिख रहा होता हूँ। बस जिसकी परफॉर्मेंस पर जितने मुखड़े लिखे गए उसी हिसाब से नंबर दे दिए। अच्छा 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 अच्छा, और शायद इसीलिए सब लोगों को आपके लिखे हुए गाने समझ में नहीं आते। किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू फरमा रही हैं आप इस भरी महफिल में? हाँ, और आप भी कभी अपने आप को देखिए, आपका वो स्टेप आज तक किसी की समझ में नहीं आया। कौन चने के खेत में? चने के खेत में वो वाला, जोरा जोरी चने के खेत में, जोरा जोरी चने के खेत में, वो वाला। अल्लाह, उसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है? दरअसल क्या हुआ, हमारी ट्रूप में एक लड़की थी फरीदा, डांसर गर्ल फरीदा, उसके साथ कुछ बहसबाजी हो गई। मोई ने दुश्मनी निकालने के लिए मेरे कमीज में खुजली का पाउडर डाल दिया। बस फिर क्या था, चुनरी लेकर मैं अपनी पीठ खुजा रही थी, ऐसे रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा ये ऑर्गेनाइजर्स अब तक आए नहीं? हाँ। हमें तो यही बुलाया था, कोई आया नहीं अब तक। यहाँ तो हमारा वालेहाना इस्तकबाल होना चाहिए था। एक मिनट में फोन करके देखती हूँ। हेलो। जीता रे बच्चा, जीता रे, जीता रे। पांगे देख, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम परफॉर्मेंस बाद में शूट करना, पहले हमारा जजमेंट ले लो। हाँ नहीं, हमें दूसरे शो में भी जाना है, वो सब बाद में करते रहना। क्या हम यहाँ जज नहीं है, कंटेस्टेंट है, तो जज कौन है? सरासर नाइंसाफी है, लाहौल वलकवत, यानी ये कल के बच्चे हमारी परफॉर्मेंस को जज करेंगे। अब क्या करें? हम यहाँ एक मिनट नहीं ठहरेंगे, हम यहाँ से चलते हैं। एक मिनट रुको जावेद भाई, मैं भी आ रहा हूँ, आ रही हूँ, मतलब मुझे नहीं रुकना है, यहाँ नहीं रुकना है, नहीं रुकना, नहीं रुकना है। वाह सरोज जी वाह, क्या स्टेप है, जरा दोबारा कीजिए। नहीं रुकना है, नहीं रुकना, नहीं रुकना है। जिस वालेहाना अंदाज में आपने इस मन के कूजे में बंद डांस को तन के समंदर में उंडेला है, इससे हमें ये अंदाजा होता है कि हम ये लाइन भेज सकते हैं। क्या मुखड़ा बनाया है आपने? और ये जो आपने मुझे धकेला है, वहाँ चलिए, वहाँ अन्नू मलिक अकेला है। चलिए मिलकर सौदा करते, चलिए। भाई खेमा चाहे दुश्मन का हो, लेकिन दुश्मन अगर अच्छे हैं तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं जावेद साहब से शुरू करूंगा। नपातुला आपका परफॉर्मेंस था, और सरोज जी आपने तो मतलब कमाल के ठुमके लगाए, और एक अलग रूप में आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन कॉमेडी सर्कस कांटे की टक्कर। और वाकई में आप लोगों को देख कर अब हम सब ये यकीन कर सकते हैं कि अब एक होगी जो कांटे की टक्कर ही होगी, एंड You guys rocked. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि रात और दिन एक हो जाते तो ऐसा होता, रात और दिन एक हो जाते
तो वैसा होता. ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे पास. आ रहे हैं बचे हुए पूरन. प्लीज वेलकम रात और दिन का सबसे बुरा एग्जाम्पल स्वप्निल एंड वीआईपी. अरे मेहमानों हमें पहचानो, कहाँ से आए हम है कौन. अरे मेहमानों हमें पहचानो, कहाँ से आए हम है कौन. पुरानी यादों ताज़ा करने आए कॉमेडी के डॉन. हम है कौन, हम है कौन, कॉमेडी के हम है कौन. अबे तेरी टाइमिंग अभी भी नहीं सुधरी. अभी तू आ गया ना, मैं सुधर जाएगी. हाँ चल शुरू करते हैं, शुरू करते हैं. हाय मैं हूँ स्वप्निल. और मैं हूँ कैश पकड़ना वीआईपी. वाह 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 वीआईपी वीआईपी. इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे. लीजिए इस कलरफुल शो में हम ब्लैक एंड व्हाइट लोग एक बार फिर हाजिर हैं. ए तू मेरे को गोरा मत बोलो, मैं बहुत बुरा लगता है मेरे को. अबे मजाक कर रहा है यार. अबे ये कॉमेडी सर्कस 2 नहीं है, मजाक बंद कर. ये कांटे की टक्कर है. भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ. या इस बार ऐसी मिमिक्री करूंगा. हाँ ऐसी मिमिक्री करूंगा, ऐसी मिमिक्री करूंगा. खबरदार जो दोबारा मिमिक्री की तो. यार जब देखो तब मिमिक्री करता है, जब नहीं देखो तब भी मिमिक्री करता है. अरे यार एक बात बता, तेरे को मिमिक्री के अलावा कुछ और आता नहीं क्या? ये तेरे को पता नहीं मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ मैं. अबे तू कलाकार नहीं है, तू कालाकार है. तू मार्केट में जाके फ्री में भी दूध बेचेगा ना, तब भी लोग यही बोलेंगे कि काला बाजारी कर रहा है. तेरी फोटो उतारता हूँ साले, वो भी नेगेटिव जैसी आती है. तू बातें तो पॉजिटिव कर. मतलब? मतलब ये वीआईपी कि इस बार तू सिर्फ मिमिक्री नहीं करेगा, तू एक्टिंग करेगा. एक्टिंग? बोल किसकी एक्टिंग करनी, बोल. अच्छा अपनी एक्टिंग कर, अपनी खुद की. खुद की एक्टिंग? क्यों क्या हो गया? सोचना पड़ेगा. तो सोच. अबे सोच तो अपनी स्टाइल में. अपनी स्टाइल ना सोच. एक मिनट. हाँ अपनी स्टाइल. सोच तो अपनी स्टाइल. हाँ ये शत्रु की है. ये शाहरुख की है. ये जीतू भैया की है. अरे यार नहीं नहीं हो रहा है. नहीं अपनी स्टाइल में नहीं होगा तेरे से, कोई बात नहीं. तू टेंशन मत ले यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? वैसे भी टेंशन लेने का काम करिश्मा और ख्याल ही का है. इसको किस बात का टेंशन? अरे करिश्मा को इस बात की टेंशन है कि अगर गलती से इन लोगों ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा ख्याली को कौन झेलेगा. मेरे को लगता है अली काशिम में अभी भी प्यार से खुश है. यादों में खोया रहता है, मुश्किलें पैदा करता है. निगमा किया उस दिल ने, उस दिल ने किया निगमा. No, watch rubbish. इस गाने को ऐसे नहीं गाते हैं. मैं अन्नू मालिक ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर आपको बताता हूँ कि इस गाने को ऐसे गाते हैं कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है. Yeah, that's right. भाई अभी अपने को जीतने से कोई नहीं रोक सकता. कोई नहीं रोक सकता. लेकिन भाई बस इस कांटे की टक्कर में अपने बीच में खाली एक ही कांटा है. कौन रे? शकील और उर्वशी. ओहो एक स्पीकर एक साइलेंसर. इस बार ये साइलेंसर भी डायलॉग बोलेगी. तब तो बिल्कुल टेंशन मत ले. हाँ क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनका विक्रम वेताल होने वाला है. मतलब? मतलब ये बोली वो गया. शकील चला जा. जिसने उर्वशी को तेरा पार्टनर बनाया है महादूत है वो. तखलिया चिल्लाइए मत, जहां पना टिश्यू पेपर खत्म हो चुके हैं.
इतना काला आपका रंग है फिर भी आपको घमंड है? अरे ऐसा जजेस नहीं बोले, इसलिए हमको उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। इम्प्रेस? यस। फिर तो मुझे लड़की बनना पड़ेगा, तभी ये जजेस 30 में से 30 नंबर देंगे। फिलहाल हटा, मेरा नंबर बढ़ रहा है। अबे अट्टा पट्टू की विधवा, तू लड़की बनेगा ना साले, अफ्रीकन लड़की लगेगा, इनको इंडियन लड़कियां चाहिए। लड़की मुझे बनना पड़ेगा, तू लड़की बनेगा, नेगेटिव नंबर। अबे नंबर से याद है, तेरा नंबर नहीं लगता आजकल। मेरा नंबर चेंज हो गया है। अरे ये तो एक सेकंड में तू भी चेंज हो गया है। ए चंपा तू भी चेंज हो ना। चलो ती हूँ, चल तेरा नया नंबर बोल। चल हाँ, मेरा नया नंबर लिख, 9 8 9 6 6 6 6 6 6। अभी फिक्स? और एक सिक्स अभी फिक्स। क्या बात है भैया, अभी क्या बात है यार। अच्छा ये बता, जजेस को इम्प्रेस करने के लिए और क्या करें? मैंने सोच लिया भैया अभी। क्या बात है? हम लोग इस बार बिल्कुल कुछ नया करेंगे। मेरे भाई तेरा इंतजार था। तेरा इंतजार था भाई, मैं जानता हूँ तू आएगा कुछ नया करवाएगा। नया 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 कुछ नया करेंगे भाई। बोल नया क्या नया करे, बोल। तू मिमिक्री करेगा। फिर तू करिश्मा खाली जैसी बातें कर रहा है। मतलब? मतलब रिहर्सल कुछ और करते, परफॉर्मेंस कुछ और करते यार। ये बता अपनी जोड़ी जीतेगी क्या नहीं जीतेगी? अरे यार वीआईपी ये खेल है और हम यहाँ खेलने आए हैं। और खेल है तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, यही दुनिया का दस्तूर है। ऐसी फालतू बात तेरे को अगर कोई बोले ना तो चपेट मारना कान के नीचे। हम लोग यहाँ जीतने आए हैं और अगर मौका मिला तो जीत कर जाएंगे कांटे की टक्कर भी। और कल तेरा फाइनल है ना, यही सोच के जाना फाइनल में कि जीतना है और सिर्फ जीतना है। ठीक है, विजयी भव। ठीक है, क्या काले रंग का ना तेरे पे दिखेगा नहीं। ओके शटर। नहीं नहीं, अरे क्या कर रहा है मेरे भाई, क्या कर रहा है? अरे अभी तो दुकान खुली है कॉमेडी की, अगर इनकी मेहरबानी रही तो ये दुकान बहुत लंबी चलेगी, इसलिए इस एपिसोड के एंड में शटर डाउन नहीं, शटर अप। थैंक यू, थैंक यू। मैं समझता हूँ ये जो दुकान आपने खोली है ये सबसे अच्छी दुकान है आज की। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं समझता हूँ कि आप इन सेनाओं के बीच आप दोनों हैं वो सेनापति बनकर इस फौज को आगे बढ़ाएंगे जरूर। Yeah. बहुत बधाई, यू आर टेरिफिक बोथ ऑफ यू एज अ डुओ, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सर। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, यू गाइस माय फेवरेट्स फ्रॉम पहले सीजन से आज तक, वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड कहते हैं ना कि सारे बच्चे जो होते हैं माँ के लिए एक बराबर होते हैं, तो ऑल माय बच्चा इज अ वेरी वेरी डियर टू मी एंड आई रियली मीन इट, लव यू गाइस एंड यू तो रियली रॉक। या रॉक, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू जजेस, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। स्वप्निल और वीआईपी, माइंड ब्लोइंग। कॉमेडी में हो गया है टेंशन हाई, क्योंकि अर्चना के पूरन मचा रहे हैं धमाल। तो देखते हैं कि क्या है शेखर की चाल। तो अर्चना के पूरन तो हो गए, अब बारी है शेखर के सपूतों की यानी सुमंस की। लेकिन शेखर के सपूत के साथ और भी एक बड़ी चीज होने वाली है आज। आई नो बड़ी चीज कल है, सीजन 2 का फिनाले। लेकिन फिनाले से पहले की टेंशन फिनाले से ज्यादा होती है, और ये टेंशन अब इन दोनों जोड़ियों के बीच में टेंशन की दीवार बन गई है। और अब इस दीवार को एक दूसरे के सर गिराने आ रहे हैं सीजन 2 के फाइनलिस्ट जूही एंड वीआईपी और राजीव और काम्या। अर्चना से पहले मैं शेखर से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी तीन जोड़ियां आपके सीजन 2 के सुमंस को कांटे की टक्कर दे सकती है? कांटे की टक्कर, मेरे ख्याल से उस जोड़ी को मैं सबसे पहले चुनना चाहूंगा जिसमें सबसे खूबसूरत लड़की है, अली। अली और काशिफ। और उसके बाद शकील भाई, और ये गुस्ताखी होगी अगर मैं इनको उस टीम में शामिल नहीं करूं। मैंने कहा कि ये तो बहुत ही काबिल है, इसलिए उर्वशी और शकील की जो जोड़ी है वो डेफिनेटली। और जिस रोशनी की किरण की हमने बात की थी वो वीआईपी और स्वप्निल,
तो ये तीन मेरे हिसाब से आने चाहिए। आपका क्या कहना है पूरन सिंह? हालांकि ये ऑपोजिशन में हैं और जाहिर है कि ये सोचेंगे कि मैं इनकी वीक थ्री टीम्स को लाऊं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूछो क्यों, ऑल ऑफ यू आस्क क्यों, क्योंकि मेरी टीम में कोई वीक है ही नहीं। आप लोग सब मेरे बच्चे जैसे हैं, मैंने पहले भी कहा है। हालांकि मैं आप सब में आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, लेकिन इस वक्त में जो तीन धमाकेदार जो जोड़ियां आगे जाएंगी कांटे की टक्कर लेने के लिए इन सुमनों से, वो होंगी, वो बहुत ही प्यारी सी गुलाबी साड़ी में बैठी हुई उर्वशी और शकील। आ जाइए उर्वशी और शकील जी, आ जाइए, जोरदार तालियां, हमारी पहली जोड़ी उर्वशी और शकील। मुझे और चुनने हैं दो जो लेंगे कांटे की टक्कर आगे वाले एपिसोड्स में। वो जोड़ी जो होगी मेरी सेकंड युद्ध में जाने वाली, कांटे की टक्कर लेने वाली, वो होंगी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, करिश्मा एंड ख्याली। क्या बात है, करिश्मा एंड ख्याली, आईफिल टावर और ताजमहल आ जाइए। मेरी तीसरी और आज के लिए आखिरी जोड़ी है, वो बहुत ही स्पेशल जब कोई पर्सन होता है तो उसे एक स्टेटस दिया जाता है, वीआईपी। तो वीआईपी एंड स्वप्निल, ऑलराइट, वीआईपी और स्वप्निल, कांग्रेचुलेशंस, पूरन की सेना में आपका स्वागत है। अली और काशिफ, अगर इन्होंने कभी गलती से हमें चक्रव्यूह में डाल दिया हम पूरन्स को, तो काशिफ और अली को अपने चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए रखूंगी। आप दोनों मेरे साथ रहेंगे, मेरे दोनों बाजू में मेरी जो ताकत होगी वो हमेशा रिजर्व में आप दोनों हैं मेरे साथ। एंड यू थ्री, आप लोगों को देनी है क्या, कांटे की टक्कर इनके सुमन को। Huge round of applause for her.